हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट थ्री लेकर आए हैं। ठीक है, जो चैप्टर थ्री है उसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। क्लियर, व्हाट इज द नेम? द नेम इज प्लेइंग विद नंबर्स। क्लियर, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड टू वीडियोस, टू पार्ट्स। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट और द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और इधर यू कैन से दैट डिविजिबिलिटी रूल्स। क्लियर, हाउ टू चेक दैट वेदर एनी नंबर इज डिवाइडिंग अदर नंबर कम्प्लीटली और नॉट इन अ सिंपल मैनर। आसान से तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिवाइड बड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप सीधा देख कर बता सकते हैं कि ये नंबर इस डिजिट को, इस नंबर को, ये डिजिट इस नंबर को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली या नहीं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से नहीं भूल पाएंगे, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। सबसे पहले दो से, ठीक है, वन से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हमने वन को नहीं लिया है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। डिविजिबिलिटी के अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं कि किसी भी नंबर से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो वो नंबर उस डिजिट से कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी डिवीज़न कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप आसान से तरीके से चेक कर लें कि वो इससे डिवाइड होगा या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर वन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। अगर आपको दो से चेक करना है कि कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उसको देख कर कैसे बता सकते हैं? तो पहले पढ़ते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, कोई भी नंबर दो से डिविजिबल होता है अगर इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स वन प्लेस। ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 6, 4, 7, 8, 9, 0। अब इतना बड़ा नंबर है, आप उसको डिवाइड करके देखोगे 2 से कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। उससे बेटर आपको क्या करना है, आपको इस लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है, जो वंस प्लेस का डिजिट है, आपको वो उसको चेक करना है। ठीक है, वंस प्लेस का डिजिट अगर इन पाँच डिजिट में से कोई भी है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है, तो ये नंबर टू से डिविजिबल होगा। इसके लिए आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि स्टेट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू और नॉट। तो बाय चेकिंग इट्स वंस प्लेस यू कैन डायरेक्टली से दैट इट इज़ डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर यूनिट प्लेस पर नंबर है तो वो दो से डिवाइड होगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर इन पांचों के अलावा ये पांच डिजिट आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 वंस प्लेस डिजिट पर आते हैं अगर, तो वो नंबर टू से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय टू। नाउ कमिंग टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय थ्री। जैसे टू के हमने वंस प्लेस को देखा कि कोई भी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है अगर लास्ट का डिजिट या वन प्लेस डिजिट, तो वो टू से डिविजिबल होगा। सिमिलरली थ्री की कंडीशन क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। कि कहते क्या है कि कोई भी नंबर तीन से डिविजिबल होगा अगर उसके जो डिजिट्स का सम तीन से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 5, 2, 3। मान लो अब हमें इसको चेक करना है कि ये थ्री से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उस केस के लिए आप क्या करेंगे कि इनके जो डिजिट्स हैं इनको प्लस कर लेंगे आपस में। ठीक है, ठीक, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, + 3 = 15। ठीक है, इनके डिजिट्स को आपस में प्लस करके कितना आया, 15। अब 15 3 के टेबल में आता है, 3 से ईजिली डिवाइड हो जाता है, तो ये जो नंबर है 3, 2, 5, 2, 3 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको पूछा है कि चेक करके बताइए कि ये जो नंबर है वो तीन से डिवाइड होता है या नहीं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपके आपको उस नंबर्स को जो डिजिट है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 3, 1, 6 और 2 ले लेते हैं। चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इनके डिजिट को आपस में प्लस कर दीजिए, 3 + 1 + 6 + 2। ठीक है, 4 + 6 = 10 + 2 = 12 आया, इनको प्लस करके 12 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 बाय 4। ठीक है,
अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर, कोई डिजिट फर्स्ट डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा? अ नंबर विद थ्री और मोर डिजिट, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा डिजिट हैं, ठीक है, इज डिविजिबल बाय फोर, चार से डिवाइड होगा, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर। क्लियर? एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, 9524624, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको चेक करके बताना है कि ये फोर से डिवाइड हो गया नहीं। इस केस में आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ लास्ट के टू डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। और ये तीन और मोर डिजिट क्यों बताया गया है, क्योंकि दो डिजिट में तो आप बता ही सकते हो इजली कि फोर से डिवाइड होगा या नहीं। तीन या मोर, तीन से ज़्यादा अगर डिजिट है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो आपको लास्ट के टू डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट के टू डिजिट अगर फोर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर फोर से डिवाइड 100% होगा। तो इसमें 24 है, 24 फोर के टेबल से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये फोर से डिविजिबल होगा। तो कंडीशन क्या है, लास्ट के टू डिजिट्स को आपको चेक करना है कि वो फोर से डिविजिबल हैं या नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी फाइव, फाइव का भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि फाइव से डिवाइड हो रहा है या नहीं, उस केस में आपको ये नंबर चेक करना है, ठीक है, कि वो वंस प्लेस पर जीरो या पाँच है अगर, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल लो, सपोज करो 60 ले लिया, 125 ले लिया, 30625 ले लिया, ठीक है, 1625010 ले लिया, अगर उसके यूनिट प्लेस पर जीरो या फाइव है, ठीक है, जीरो या फाइव है, तो वो नंबर फाइव से ऑलवेज डिवाइड होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट देखना है आपको, जीरो होना चाहिए या फाइव होना चाहिए, अगर है तो 100% वो फाइव से डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ आई एम चेकिंग दैट डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय सिक्स, ठीक है। सिक्स से चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पता होगा सिक्स कैसे आता है, 2 × 3 = 6 होता है, तो आसान है, इसी से आपको याद रखना है कि सिक्स कैसे आता है, 2 × 3, ठीक है। तो आसान सी भाषा में, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो वही चीज़ लिखी है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 24 ले लिया, 24 2 के टेबल में भी आता है, यानी कि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 24 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कोई एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज ले लेते हैं 150, ठीक है। अब मैंने क्या था, 2 के केस में अगर वंस प्लेस डिजिट पर 0 2 4 6 8 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 100%। 3 से डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या, मैंने बताई थी कि इनके डिजिट को आपस में प्लस कर लेना है, 1 + 5 + 0 कितना हो गया 6, यानी कि 6 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 156 से डिवाइड 100% होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 7 की बात, ठीक है। 7 से कैसे चेक करना है कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा अगर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। ये मैं आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है 6804, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कही है इन्होंने, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, पहली कंडीशन क्या है, वंस डिजिट कौन सी है, 4 है, ठीक है, इसका ट्वाइस यानी कि 2 times, एंड द नंबर फॉर्म बाय अदर डिजिट, अदर डिजिट कौन से बचे हमारे पास, 680, ऊपर क्या बोला था, डिफरेंस यानी कि माइनस, ठीक है। अगर इसको माइनस करने के बाद क्या आता है, 680 − 2 = 8 = 672, ठीक है। अगर ये 7 से डिवाइड है, होता है, तो ये पूरा डिजिट 7 से डिवाइड होगा। तो 7 के केस में छोटा डिवीज़न आपको करना पड़ेगा। लेट अस चेक, 672 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 × 9 = 63, 4 × 2 = 7, 6 = 42, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 672 डिविजिबल है 7 से, तो ये डिजिट भी 7 से डिवाइड होगा। आपको करना क्या है, मैं फिर से समझा देता हूँ, 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी होगी। जो वंस प्लेस का डिजिट है आपका,
ठीक है, उसको टू से मल्टीप्लाई करना है जैसा हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग डिजिट बचे हैं उसमें से उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको सेवन से डिवाइड करके चेक कर लेना है, अगर वो डिवाइड एग्जैक्टली हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है जैसा इस केस में जीरो बचा है, तो वो बड़ा नंबर भी सेवन से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एट की। एट भी वैसे ही जैसा फोर था, अ नंबर विद फोर और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय एट इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट थ्री डिजिट इज डिविजिबल बाय एट। जैसे फोर के केस में क्या था कि लास्ट के टू डिजिट फोर से डिवाइड होने चाहिए, सिमिलरली एट के केस में भी क्या है कि जो लास्ट के थ्री डिजिट हैं वो एट से डिवाइड होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 79152 को हमें चेक करना है कि एट से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको इस केस में जब भी एट की बात होगी तो आपको लास्ट के थ्री डिजिट देख लेने हैं, लास्ट के थ्री डिजिट्स को आपको एट से डिवाइड करके देखना है। एट वन जा एट सेवन आया, टू कैरी कर लिया, एट नाइन जा 72। अगर लास्ट के थ्री डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है तो ये कम्प्लीट नंबर भी एट से डिविजिबल होगा। फोर के केस में क्या देख रहे थे हम, फोर के केस में लास्ट के टू डिजिट अगर डिवाइड होते हैं, ठीक है, एट के केस में आपको क्या करके देखना है, लास्ट के थ्री डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये दोनों ही केस में रिमाइंडर जीरो आता है तो बड़ा नंबर फोर से और एट से डिविजिबल होगा। अब नाइन, नाइन के केस में आप कैसे चेक करोगे, जैसे थ्री के केस में क्या था कि सम ऑफ द डिजिट आपने किया, थ्री से डिवाइड हो गया, सिमिलरली नाइन के केस में भी आपको सारे डिजिट को प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल 65403 को आपको चेक करना है, तो जैसे थ्री के आप थ्री से ही याद कर सकते हैं, थ्री के टेबल में नाइन आता है तो थ्री के केस में सभी डिजिट को प्लस किया था, तो नाइन के केस में भी सभी डिजिट को प्लस कर लीजिए, 6 + 5 + 4 + 0 + 3, ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए, 6 + 5 = 11, 11 + 4 = 15 + 3 = 18, 18 नाइन से डिवाइड हो जाता है तो ये वाला नंबर भी नाइन से डिवाइड ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, थ्री और नाइन का कंसेप्ट सेम है, ठीक है, फोर और एट के कंसेप्ट आलमोस्ट सेम है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फोर के टेबल में एट आता है तो फोर से आपको एट याद रह जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, थ्री के टेबल में नाइन आता है तो नाइन का कंसेप्ट भी आपको थ्री से याद हो जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू दी डिविजिबिलिटी बाय टेन। टेन के केस में हमें क्या है कि लास्ट में अगर जीरो है, ठीक है, और नंबर इज डिविजिबल बाय टेन इफ़ इट इज है जीरो इन इट्स वन प्लेस, कोई भी नंबर है जितना मर्जी बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर लास्ट में जीरो आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो सभी नंबर जिनके वंस प्लेस पर, ठीक है, जीरो है, वो सभी के सभी किससे डिवाइड हो जाएंगे, टेन से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। टू, टू के केस में लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। थ्री के केस में सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर थ्री से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होगा। फोर के केस में लास्ट के टू डिजिट अगर फोर से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर डिविजिबल होगा। फाइव के केस में वंस प्लेस पर जीरो और फाइव हुआ तो डिवाइड होगा। सिक्स के केस में अगर वो टू और तीन थ्री से डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली तो वो सिक्स से डिवाइड होगा। सेवन के केस में वंस प्लेस को टू से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देना है, ठीक है। एट के केस में लास्ट के थ्री डिजिट अगर डिवाइड हो जाते हैं एट से तो वो नंबर डिविजिबल होगा। नाइन के केस में थ्री की तरह सम ऑफ ऑल डिजिट कर देना है, अगर वो नाइन से डिवाइड हो जाता है तो होगा। टेन के केस में वंस प्लेस जीरो आ जाता है, अगर वन प्लेस डिजिट जीरो होता है तो वो डिवाइड होगा। सो दिस वाज द समरी एंड रिवीजन एज वेल, होप यू हैव एंजॉयड इट विद द एग्जांपल। इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैवंट जॉइन द चैनल टिल नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन अवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट and also press the bell icon for the upcoming videos. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.